हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए व्लॉग में और एक नई कंट्री में। मैं हूँ इस वक्त अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है यह। कंट्री पहले रशिया का पार्ट थी। तो यहाँ का जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है प्रॉपर जैसे कि रशिया में या यूरोप में आप कह सकते हैं वैसा ही है। नाम से तो ये मुस्लिम कंट्री है और हमारे इंडिया में तो मेरे एरिया में बहुत से लोगों ने इस कंट्री का नाम भी नहीं सुना है। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए कोई देख रहे हैं कंट्री, तो अजरबैजान बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही सस्ती भी मैं इसे बोलूँगी, क्योंकि बाकी कंट्री के कंपैरेटिव यहाँ पे जो रहना और खाना पीना है बहुत ही सस्ता है। आगे के व्लॉग्स में मैं उन सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगी, बट फिलहाल आज के इस फर्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ का इन्वायरमेंट, कल्चर और यहाँ की गलियाँ कैसा है सब कुछ। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा बाकू का इन्वायरमेंट कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं। मुझे तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी यूरोपियन कंट्री में ही आ गई हूँ। बहुत ही यहाँ का व्यू है, वो एक बहुत ही सुंदर व्यू है। तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गलियों का जो इन्वायरमेंट है या साफ़ सफाई है कैसा है। बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल ये सिटी बनी हुई है। अभी तक फ़िलहाल मैं इसकी कैपिटल बाकू में ही हूँ। बाकी जो अभी सिटीज़ हैं वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं करा है, क्योंकि मैं अभी कल ही आई हूँ। तो जैसे बाकी सिटीज़ में भी ट्रैवल करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी वहाँ पर कैसा माहौल है और क्या है वहाँ का साफ़ सफाई और कैसा है सारा कुछ। तो बाकी अभी हम देखते हैं यहाँ का बाकू का। मैं हूँ इस वक्त बाकू में निजामी स्ट्रीट में। यह यहाँ की आप कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस स्ट्रीट है और जो कि बाकू के सेंटर में है बिल्कुल। अगर आप बाकू में आए और निजामी स्ट्रीट में नहीं आते तो इसका मतलब आप बाकू को आपने पास से विज़िट करा ही नहीं है। तो अगर आप बाकू आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट आप ज़रूर विज़िट करें। तो और आगे लेके चलती हूँ आपको थोड़ा सा और दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी मुझे मतलब अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, बट फिर भी मैंने जो देखा है कि लोग फ्रेंडली है। जैसे अभी कल मैंने आके सिम वगैरह खरीदी है या करेंसी चेंज करवाई है, तो इनको इंग्लिश की बड़ी दिक्कत है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बट लोग फ्रेंडली है। ट्रांसलेशन का सहारा लेके या ट्रांसलेट करके उनको मैं दिखाती हूँ, या फिर किसी भी तरीके से अगर मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ तो इनको बात समझ में आ रही है तो भाई ये हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तो लोग भी मुझे यहाँ के फ्रेंडली लगे, अच्छा माहौल है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए या फिर भाई स्टडी के लिए भी आ सकते हैं, काम के लिए भी लोग आ रहे हैं। देखा है मैंने इंडियन और पाकिस्तानी बहुत से लोग हैं जो काम वगैरह भी कर रहे हैं। तो बाकी अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि क्या माहौल है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो मैं आई थी 25 दिसंबर को, तो उस टाइम क्रिसमस पे बहुत ही सुंदर इन्होंने सजावट करी हुई थी, बट उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थी मैं। दो दिन से कंटिन्यूसली मेरा ट्रैवल हो रहा था। तो आप ये सामने ये मार्केट आप देख सकते हैं, ये इन्होंने स्पेशली क्रिसमस के लिए इन्होंने डेकोरेट करी थी। तो चलिए थोड़ा सा लेके चलती हूँ इस मार्केट में मैं अंदर आपको और दिखाती हूँ इसका मॉर्निंग व्यू। और अगर रात को भी ये भाई लगी रही है इसी तरह तो नाइट व्यू भी इसका दिखाऊंगी, जो कि मॉर्निंग व्यू से कहीं ज़्यादा अच्छा दिखता है। लाइटनिंग वगैरह सब प्रॉपर होती है, तो बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जो इसका व्यू है।
ये हट्स बनी हुई हैं और ये देख सकते हैं आप, बट है इनका सारा लोकल फूड। और लोकल फूड में ये जो खाते हैं लोग नॉन वेजिटेरियन, और भाई जैसे कि आपको पता है मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मैं इनका लोकल फूड तो ट्राई नहीं कर सकती, बट आपको बस दिखा सकती हूँ दूर से। ये सामने स्नोमैन बना हुआ है, और अगर इनके साथ आपने पिक्चर्स खिंचवानी है तो आपको 5 मन्नत देने पड़ेंगे, और जो कि यहाँ की करेंसी है मन्नत, और जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर मैं काउंट करूँ तो 50 रुपीज़ के इक्वल है। 1 मन्नत यहाँ से यहाँ का 50 इंडियन रुपीज़ के इक्वल है। ये क्रिसमस ट्री बना हुआ है, और नाइट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये सांता की ड्रेस में बैठे हैं और लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। ये क्रिसमस के लिए, और अगर कोई सुवेनियर लेना है, कुछ भी लेना है तो ये सामने बच्चों के लिए झूले वगैरह। हाय, थैंक यू। यहाँ पे हर जो ये निजामी स्ट्रीट है, इसके हर कॉर्नर पे किसी ने टेडी की ड्रेस पहनी है, किसी ने सांता की ड्रेस पहनी है। हाय, हाय, सलाम सलाम सलाम। फोटो नो, थैंक यू, नो थैंक यू। यहाँ पे ये सिस्टम है फोटो के लिए, मैंने इसलिए मना करा क्योंकि यहाँ पे ये मैं आपको यही बता रही थी कि इस निजामी स्ट्रीट के हर कॉर्नर पे आपको इस टाइम पे ये सेंटा या फिर मिक्की माउस या फिर इस टेडी की ड्रेस वियर करे हुए हैं लोग, और अगर इनके साथ आप फोटो क्लिक करवाते हैं तो किसी का अलग अलग रेट है। कोई 5 मन्नत ले रहा है, कोई 10 मन्नत ले रहा है, कोई 7 मन्नत ले रहा है,
तो वो आपको फिर ही फोटो देंगे, मतलब सिर्फ एक फोटो क्लिक करने के ये इतने रुपीज लेते हैं। तो मुझे नहीं लगा कि भाई मुझे सिर्फ एक फोटो क्लिक करने के लिए मैं 700 800 या 1000 इंडियन रुपीस वेस्ट कर दूं, तो इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं करवाई उनके साथ। तो अगर आप यहाँ आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप करवा सकते हैं फ़ोटो। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाती हूँ थोड़ा सा आगे का व्यू। बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर ये कंट्री बनी हुई है। अब देखिए इसकी जो स्ट्रीट्स हैं, ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, लोग जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नई कंट्री, नया कल्चर, नया ट्रेडिशन, नए लोग, सब कुछ देख के मिल के ऑब्जर्व करके बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको मैं किसी और जगह लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ का व्यू। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।